परेशानी है। और ये जो ट्रैफिक बूथ दिया जाता है ये तो कहीं से सही नहीं है, चाहे वो बैठने का कुर्सी हो वो भी सही नहीं है। और अभी हम यहाँ से और भी जगह जाएंगे और वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे जीएन भारत के चैनल के साथ, आपको दिखाते हैं आगे का इसका नज़ारा। तो आपने देखा ट्रैफिक बूथ का नज़ारा आपने देखा, अब आप मेरे पीछे देखिए, ये एसएसपी का आवास है जहाँ इन्हें सारी सुविधाएं दी जाती है, जहाँ इन्हें रहने का और इतना अच्छा सुविधाएं दिया जाता है। और वहीं ये जो बूथ है यहाँ पर ये रात भर अपना रात गुजार लेते हैं, दिन गुजार लेते हैं, मच्छर काटता है पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपना दिन कैसे काटते हैं और रात कैसे काटते हैं, मच्छर काटते हैं और इनको सारी सुविधाएं मिलती है। ये तो भाई अधिकारी हैं, बड़े पोस्ट पे हैं तो इनके साथ तो ऐसा होना ही है। और आइए आगे दिखाते हैं और आगे क्या चल रहा है, कहाँ ट्रैफिक बूथ है और कहाँ पर नहीं है, कैसे ये जो टेंट बना के रह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अभी मैं दूसरे एरिया का दृश्य दिखाने के लिए हॉटलिप्स चौक पहुँची हूँ जहाँ पर फिर से एक ट्रैफिक बूथ दिखा है। यहाँ पर टेंट नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक बूथ दिखा। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देखिए, देखिए हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक बूथ है पर वहाँ पर कोई भी पुलिस के कर्मचारी मौजूद नहीं है और यहाँ पर वहाँ से हट करके लोग इस जगह पर आ करके बैठे हैं और एक कुर्सी लगा है और कैसे ही एक टेबल लगा कर वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि जो वो ट्रैफिक बूथ है उस जगह पर ना फैन की सुविधा है ना बैठने की सुविधा है, बस वो एक डब्बा की तरह बना दिया गया है जिस पर ना बैठ सकते हैं ना सही से हवा ले सकते हैं। तो वैसे ही वो जो टेंट वाले पुलिस कर्मचारी थे उन्हीं की तरह ये भी यहाँ बैठकर मच्छर काट रहा है, वैसे ही ये बैठकर अपना दिन काट रहे हैं। और आइए आगे की ओर चलते हैं, हरमू रोड आपको लेकर चलते हैं, वहाँ का दृश्य भी आपको, वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। अभी मैं हरमू रोड आ चुकी हूँ और आप मेरे पीछे मेरे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं ये कितनी जर्जर स्थिति में है, जर्जर हालत में है, चद्दर से लोग टेंट बना के रह रहे हैं। आइए अंदर का स्थिति आपको दिखाते हैं। ये कुर्सी ऐसे रखा है, देखिए यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, देखिए यहाँ सामान फेंका पड़ा है, ये ऐसे ही ढका हुआ है, यहाँ पर बैठने की एकदम भी यहाँ बैठने की अवस्था नहीं है, ये स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर लोग बैठ सके। आइए बाहर चलते हैं और आपसे कुछ बात भी करते हैं अपने कैमरा के दौरान। तो जैसा कि ट्रैफिक एसपी का भी जो पोस्ट है वो अभी तक खाली है, क्या सरकार कर क्या रही है, ना पोस्ट देख रही है ना देख रही है कि कहां पर क्या पोस्ट खाली है, सरकार करना क्या चाहती है, सरकार तो सिर्फ लूटने में लगी है शायद। उस जैसे अधिकारी के अकाउंट को सरकार भरने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है और सरकार कुछ नहीं देखती है कि एक पुलिसकर्मी को बैठने का जगह नहीं है, एक पुलिसकर्मी को ट्रैफिक बूथ का फैन का कुछ चीज़ का भी इंतज़ाम नहीं करवाती है, सिर्फ ये रोड में बैठ के मच्छर काटता ही नहीं, ये अपना दिन काटते हैं अपना रात काटते हैं, सरकार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक एसपी का पोस्ट अभी तक नहीं भराया है, वो अभी तक खाली है, आगे देखते हैं कि सरकार क्या करती है इन और दो तीन सालों में, सरकार क्या करती है। कुछ लोगों का कहना है कि 10 साल तक ये सरकार रहेगी, ये सरकार 10 साल तक रहेगी, ये सरकार नहीं गिरने वाली है, तो अब देखते हैं आगे, देखने वाली बात है कि क्या होता है और क्या नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।